प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आदर के आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपालु हाथ हमेशा आपकी ऊपर हो, उनकी दया दृष्टि और अनुग्रह दृष्टि निरंतर आप ही के ऊपर बनी रहे। इस संध्या के समय एक और बार उनके दिव्य सानिध्य माने का सौभाग्य जो खुदावंद ने हम सबको दी है, दिन भर की हमारी परिश्रम में हमारी मेहनत में साथ देते हुए विश्राम करने से पहले उनकी उपासना करने उनकी महिमा करने का जो भाग्य और सौभाग्य खुदावंद में प्रदान की हैं। परमेश्वर के इसलिए शुक्र अदा करते हुए आभार प्रकट करते हुए उनकी उपासना करने जिस प्रकार से हम लोग आए हैं, उनकी महिमा करने जिस तरह से हम लोग एकत्रित हुए हैं, वैसे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को भी हमारे साथ बरकरार रखते हुए हमारे संग अपने वचन के माध्यम से बातें करने के लिए हमारी प्रार्थनाएँ हमारे निवेदन परमेश्वर स्वीकारने के लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में लेकर चलते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आभार के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा और गौरव के योग्य खुदावंद आप ही हैं। एक और रात प्रभु जी आपने हम सब के जीवन इस तरह से प्रदान किए, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी आशीष मान हाथ प्रभु जी हमारे प्रभु पर इस प्रकार से बरकरार रखते हुए हमें और आगे लेकर जाएंगे प्रभु जी। वर्तमान का जीवन प्रभु आपके हाथों में है, भविष्य भी परमेश्वर आप ही ने संभालने के लिए प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा की ओर से प्रभु जी हमारे जीवन को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बीते हुए प्रभु जी भूतकाल में परमेश्वर आपकी साथ हमारे संग रही हैं, आपने हमसे बातें की हैं, सारे विषय के लिए प्रभु जी आपका शुक्र अदा करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं जैसे भी हैं केवल आपके अनुग्रह से हैं, आपकी दया से हैं, आपकी आशीषों के कारण हैं। हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हमसे प्रभु जी आपके वचन के बारे में फिर से एक बार खुलासा करते हैं, हमसे बातें करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। यीशु की जीवन क्रम की श्रृंखला में हमारी ध्यान यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभ के दिन में जारी है। अब तक हमने यीशु मसीह के जन्म को देखा है, यीशु मसीह की परवरिश को देखा है और यीशु मसीह किस तरह से बड़े होने के बाद 30वीं वर्ष में भी आते हैं और यूहन्ना के हाथों से वे बपतिस्मा को प्राप्त करते हैं। इन बातों को अब तक हमने देखा है। आज हम उनकी सेवकाई के पहले दिन को देखने जा रहे हैं। यीशु के बपतिस्मा के तुरंत बाद यीशु जंगल में चलाए जाते हैं, जहां पर उन्होंने 40 दिन और रात बिताए हैं ताकि पवित्र आत्मा उन्हें वहां पर लेकर जाए और शैतान के द्वारा वहां पर उनकी परीक्षा हो और यीशु की परीक्षा में किस प्रकार से सफल होकर वहां से परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए शैतान का सामना करते हुए और जब शैतान का सामना करते शैतान यीशु को छोड़कर उनके सामने से भाग चला जाता है। स्वर्गदूत आते हैं और यीशु मसीह की सेवा टहल करते हैं। सेवकाई की जीवन को समय जब आ चुकी है, एक विवाह में जाते हैं और विवाह से ही उनकी सेवकाई आरंभ होती है। आइए हम यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसकी पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। हम आज इन शब्दों को यहां पर गौर करने जा रहे हैं और यीशु के चेले यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवता गए थे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू गॉड। सो तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह हो रही थी और यीशु मसीह की माता वहां पर थी। यीशु और उनके चेले सभी को भी न्योता दिया गया था। हम जो सृष्टि की आरंभ देखते हैं, सृष्टि की आरंभ में परमेश्वर ने किया हुआ सबसे महत्वपूर्ण कार्य था विवाह और यीशु मसीह ने जिस विवाह में अपने कदम को रखा है वहां पर अपनी सामर्थ को दिखाते हुए उसी विवाह को सम्मान देते हुए किया है। एक विवाह में अगर भोजन खत्म हो जाए या फिर कोई वस्तु खत्म हो जाए या कुछ और किसी चीज़ की कमी होने लगती है तो वहाँ पर आज की वर्तमान की हमारी इस संसार में जब देखते हैं सबसे अधिक उस दुल्हन के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर असर पड़ती है। तो यीशु मसीह यहाँ पर किसी की रक्षा करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं और यीशु मसीह यहाँ पर चमत्कार ही नहीं करते हैं परंतु परमेश्वर की ओर से जो स्थापना हुई थी विवाह की, जो एक बंधन है जिसे एक संस्था भी कहते हैं, जिसे एक आलय भी कहा जाएगा, जिसे एक
परमेश्वर की ओर से दिए गए वाक्य का सबसे बड़ा उपदेश है ये विवाह का। परमेश्वर ने जब देखा कि आदम का अकेले रहना उचित नहीं है तो खुदावंत ने उनके लिए एक जीवन साथी को बनाकर उन्हें विवाह के बंधन में जोड़ा था। विवाह के बंधन में जोड़कर परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया था, तुम फूलो फलो और सारे पृथ्वी को भर दो। ये भाग्य है, ये सौभाग्य है, ये आशीर्वाद है, परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए मिला गया है, परमेश्वर की ओर से सृजा गया एक कार्य है। और विवाह सारे कार्यों में सम्मानित है। हर एक विषय जो धरती के ऊपर भले कितने भी काम क्यों ना होते हों, लेकिन उन सब में से परमेश्वर के सामने माननीय सम्माननीय अगर कोई कार्य होती है वह होती है विवाह, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतनी सुंदर जगह दी है। और परमेश्वर भी अपने रिश्तों को मनुष्यों के साथ में जोड़ते हुए दो रिश्ते बताते हैं। सबसे पहला रिश्ता उन्होंने उदाहरण के रूप में एक पिता और बेटे के रूप में बताया है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे से दूर नहीं होते हैं, भले बेटे अगर कभी दूर भी हो जाए, वरन पिता का प्रेम उसे खींचा ले जाता है और पिता उसको अंत में प्राप्त करता है। भले आज उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वह पिता उसे अंत में निश्चय प्राप्त करता है। तो हम इसलिए देखते हैं कि पिता की प्रेम स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने आप को पिता की जगह पर रखते हुए मनुष्यों को संतान की जगह पर रखा है, जिस बंधन को कभी कोई तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है, एक पति और पत्नी का बंधन इस प्रकार से होता है, क्योंकि परमेश्वर इसे स्वर्ग से एक करते हैं तो उसे कोई मनुष्य से अलग नहीं करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर न बिछड़ने वाली न टूटने वाली इस अटूट रिश्ते में अपने आप की तुलना करते हुए यीशु मसीह को एक दुल्हा के रूप में और सारी कलीसिया को दुल्हन के रूप में रखा है। जिसका मतलब है, एक बार अगर आप यीशु के साथ मिल जाओगे, एक बार ही कलीसिया अर्थात मसीही लोग यीशु के साथ में मुलाकात कर लेते हैं, एक बार उनका संबंध उनके साथ में जुड़ जाता है, इस संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जो उन्हें उनके प्रेम से अलग कर सकता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा था, कौन सी ऐसी ताकत, कौन सी ऐसी चीज जो मुझे मेरे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या तलवार मुझे अलग कर सकती है? क्या हाकिम आकर मुझे अलग कर पाएंगे? क्या बेरोजगारी की समस्या मुझे दूर करे? क्या अकाल हो या भूख हो या फिर पीड़ा हो, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? क्योंकि एक बार जो मेरे खुदाबंद के साथ में मेरा संबंध जो जुड़ गया है, उसे संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अलग कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर के संबंध को इस संसार को प्रकट करते हुए किस प्रकार से परमेश्वर अपने आप को प्रेम की उस जगह पर रखते हैं और हम सबको प्रेम के पात्र उस योग्य में योग्यता को प्राप्त किए लोगों में रखते हैं, उसे दिखाते हुए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को दुल्हा के रूप में और कलीसिया को दुल्हन के रूप में संबंध छोड़ा है। अपने आप को पिता परमेश्वर ने पिता की जगह पर रखा है और हमारे सारी संसार या जो कलीसिया है, सारी मानव जाति है, उन सबों को परमेश्वर ने अपने संतानों के रूप में रखा है। तो विवाह के विषय में हमने जब देखा, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है और परमेश्वर की ओर से एक आदेश भी इसमें दिया गया है कि विवाह के समय में जो भी व्यक्ति पुरुष या स्त्री एक किए जाते हैं, किसी भी कारण से उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कारण है जो उन्हें अलग होना पड़ा, कोई मजबूरी ऐसी है व्यभिचार के कारण के सिवाय, अर्थात अगर पुरुष जाकर किसी और जगह पर कहीं और गैर संबंध को बनाता है, वो एक अधर्मी जीवन अपवित्र जीवन जीने लगता है, उस स्त्री को हक है कि उससे दूर हो जाए। अगर वही स्त्री किसी और पुरुष के साथ में इस प्रकार के अधर्मी और अपवित्र जीवन जीती हैं, तो यह पुरुष को हक है कि उससे अपने आप को छुटकारा दिला सके। इस कारण को छोड़ और कोई कारण परमेश्वर ने मंजूरी नहीं दिया है कि मनुष्य को इस संसार में अपने विवाहित जीवन में अपने जीवन साथी को छोड़ने का कोई अधिकार या हक है। और परमेश्वर ने यह भी किया है और इस कलीसिया
में किसी की जब विवाह होती है, दास कहते हैं कि कोई भी कारण के ना, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो, या कोई निंदा हो, कोई अपमान हो, या फिर कोई समस्या हो, कोई कुछ भी क्यों ना हो, जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग नहीं करती हैं, तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम अलग नहीं होंगे, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा, मैं तुमसे अलग नहीं होंगी, दुल्हा और दुल्हन दोनों ही प्रतिज्ञा करते हैं। हम यीशु मसीह को गलील के काना की विवाह में देखते हैं, जहां पर दाक्रस घट चुका था और यीशु की माँ आकर यीशु से कहती हैं, दाक्रस घट चुका है, तुम्हें कुछ करना है। यीशु ने कहा, माँ मेरे समय अभी तक तो नहीं आया है, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। तो यीशु मसीह के कहने के अनुसार तुम करो, बस इतना कहकर यीशु की माँ वहाँ से चली जाती हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की इस चमत्कार को किस प्रकार से यीशु मसीह ने वहाँ पर उन सेवकों से कहा था कि जो मटके रखे गए हैं, जो 6 मटके रखे गए हैं, वो शुद्धिकरण के आचरण के लिए रखे गए हैं, उसे 3-3 मन भरने के लिए समाते हैं, तो उसे पूरी तरह से मुख तक भरने के लिए कहा था, डुबो कर ले जाने के लिए कहा, और लेकर जाते हैं तो बोझ के प्रधान जब कहते हैं, अब तक तो सब कुछ सब लोग अच्छी दखरस देकर और उसके बाद में थोड़ी सी अलग दाखरस देते हैं, लेकिन तूने तो अब तक उत्तम से ही उत्तम को रखा है, तो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ वहाँ पर करते हैं। तो इन्हें मालूम नहीं था कि ये दाखरस कहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं, सिर्फ यीशु मसीह जानते हैं और वे सेवक लोग जानते हैं जिनके साथ में ईश्वर ने कहा था कि इस प्रकार से करो। 10वें वचन में देखते हैं, मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब पीकर वह चक जाता है तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। परमेश्वर के इस उत्तम दाखरस या फिर अच्छा दाखरस रख छोड़ने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के पास से अगर आपको कुछ कभी मिलता है, आपको उत्तम से उत्तम मिलता है, आपको दूसरी क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी, चौथी क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेंगे। परमेश्वर के हाथों से अगर आपने कभी कुछ मांगा है, मान लेते कि आपके शरीर में कोई अंग बिगड़ चुका है और उस अंग के बिगड़ने के कारण आप परेशान हो चुके हैं, परमेश्वर जब उसे चंगा करते हैं, परमेश्वर जब उसे ठीक करते हैं, उसे परमेश्वर उसे पूरी तरह से नया बना देते हैं। खुदावंत की ओर से आई हुई चंगाई, एक बार जब आप प्राप्त करते हैं, वह चंगाई हमेशा के लिए रहती है। तो आपको परमेश्वर की ओर से जब भी मिलती है, उत्तम से उत्तम चीज़ें ही मिलती हैं। इसलिए प्रभु का वचन सुन रहे परिजन, परमेश्वर के पर भरोसा को रखें, और परमेश्वर ने जिस तरह से आपको विवाहित जीवन में जोड़ दिया है, किसी भी कारण से आप एक दूसरे से बिछड़ने की कोशिश न करना, और आप विवाहित नहीं हुए हैं, आप विवाहित होने के लिए अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं, किसी भी कारण से, चाहे भविष्य में कुछ भी क्यों ना हो जाए, विवाह का सम्मान करो, उस संबंध का सम्मान करो, उस रिश्ते का सम्मान करो, और अपने जीवन साथी के साथ में परमेश्वर की महिमा है, तो दोनों ही मिलकर एक धर्मी और पवित्र और सच्ची जीवन जिया करो। विवाह के साथ में प्रभु की सृष्टि आरंभ होकर आगे बढ़ती है, यीशु मसीह की सेवकाई भी विवाह के इस समय में ही आरंभ होकर आगे बढ़ती हैं। यीशु मसीह ने किया हुआ चमत्कारों में से पहला चमत्कार है ये, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती हैं। उसने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इनके चेले तो इनके संग चल रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन तब विश्वास किए हैं जब इन्होंने एक चमत्कार किया था। प्रभु अगर आपके जीवन में भी आप अगर प्रभु को अभी तक नहीं जान पाए हैं, नहीं पहचान पाए हैं, तो प्रभु आपके जीवन में भी कुछ ऐसे चमत्कार करना चाहते हैं। जो आपके जीवन में घटी है, जो आपके जीवन में कमी है, परमेश्वर उसे पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं जो उत्तम से उत्तम हो। कभी वो घट ना जाए, कभी वो कम ना हो जाए, कभी वो बिगड़ ना जाए, कभी वो खराब ना हो जाए, वरन परमेश्वर निरंतर चाहते कि अपने सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर बढ़ाते हुए सर्वोत्तम चीज़ों को आपके पास लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से हम हमारी ईश्वर के जीवन क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन में हम जब जाएंगे तो बाकी शेष वचनों को और उनके जीवन क्रम में किस किस जगह पर यीशु मसीह जा
इन सारे बातों को गौर करते रहेंगे, लेकिन आज के रात को इन बातों को हम गौर करते हुए, ध्यान करते हुए, दो रिश्ते परमेश्वर ने, पहला मनुष्य को उन्होंने पिता के समान अपने आप को रखा है और मनुष्य को रखते हुए पिता और संतान की जो संबंध होती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर कभी संतान बिछड़ भी जाए तो तुरंत पिता के पास में वो कभी ना कभी लौट आएगा और पिता का प्रेम उसके लिए इंतज़ार करता रहता है। और दूसरी प्रकार से यीशु मसीह को उन्होंने दुल्हा के रूप में जगह दिया है और कलीसिया को उन्होंने दुल्हन की जगह दिया है। और जिस तरह से पति पत्नी का बंधन को कोई तोड़ नहीं सकते हैं, वैसे प्रभु के पास जब आप आते हैं कोई संसार की ताकत तो परमेश्वर से आपको दूर नहीं कर सकते हैं। प्रभु के ढेर आशीर्वाद के वचनों के साथ में परमेश्वर आपको और भी तृप्त करता रहे और भी आगे बढ़ाता रहे। परमेश्वर निरंतर आपके साथ में रहे। कोई ताकत क्यों ना हो, कोई अधिकार क्यों ना हो, कोई सामर्थ्य ही क्यों ना हो, कोई शक्ति ही क्यों ना हो, आपको प्रभु से कभी अलग नहीं कर सकता। खुदा इन वचनों के साथ में आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। विवाह के विषय में प्रभु जी और आपने किए हुए अद्भुत चमत्कारों के विषय में आज हमसे फिर से बातें की हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे परिजनों के लिए हमारे सारे परिजनों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। यदि विवाह जीवन में प्रभु किसी की कोई प्रकार के तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, कोई प्रकार की अनबन चल रही है, तो प्रभु दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शांति उनके ऊपर उतर आए, एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को जान पाए और एक दूसरे के संग चल पाए। अब प्रभु अगर ऐसा हुआ परमेश्वर, प्रभु किसी को विवाह के लिए सिद्ध हो रहे तो परमेश्वर दुआ करते हैं उनके सिद्धता में अपनी सहायता को पहुंचा दीजिए। जैसे परमेश्वर अपने अपने महिमा के साथ में मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है, दंपति गृह में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था फूलों फले और प्रभु सारी पृथ्वी को भर दे, वैसे परमेश्वर फूलने की और धरती के प्रभु जी भरते हुए अपने आप प्रभु जी आपकी महिमा को देखने की सौभाग्यवान जीवन हमारे परिजनों में देने के लिए दुआ करते हैं। किसी कमी से प्रभु जी, किसी घटी से गुजर रहे तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से पानी को दाखरस में बदल दिया था, उसी प्रकार से प्रभु उनके घर की सारी चीज़ों को प्रभु जी आँस फिर से एक बार तरोताज़ा करते हुए तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। अब से लेकर इनके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे वो सेहत के विषय में हो, धन के विषय में हो, आहार के विषय में हो प्रभु जी, खुशी आराम के विषय में हो, परिवार के विषय में क्यों ना हो प्रभु जी, समाज के विषय हो प्रभु जी, कभी कहीं पर उन्हें कोई कमी ना रहे। प्रार्थना करते हैं आपके स्वर्ग महिमा के साथ में अपने भंडारों को खोलकर अपने संतान को तृप्त करें। और हमारे मिलने से पहले प्रभु जी आपके पुत्र की आगमन बादलों के पसंद स्वर्ग राज में शामिल करने के लिए कहते हैं प्रभु जी। अगर ऐसा ना हो तो कल शाम को फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें जीवित तंदुरुस्त संभाल कर रखिए। तब तक हमने की वे सारी प्रार्थना को उत्तर हमें देने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना सुनकर दिए प्रभु जी उत्तर के लिए कृपा धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको ढेर आशीष प्रदान करें। यीशु की जीवन क्रम की हमारी श्रृंखला हम आगे बढ़ाते रहेंगे। खुदा दिन वचनों के साथ में आपको तृप्त रखे, आपसे बातें करें और आपकी जीवन की सारी चिंताओं को मिठाकर परमेश्वर धीरज के साथ, संयम के साथ, शांति के साथ आपको भरे। कल रात को फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।